अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग कैरियर से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी कैरियर से हूँ। आप देख रहे हैं निमराज फूड डिस्कवरी और मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी। वैसे तो मेरी हर ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यमी, बहुत ही ईजी और बहुत ही यूनिक होती है। तो चलिए फिर आज हम कुछ नया ट्राई करते हैं। आज हम बनाएंगे मुंबई का फेमस वड़ा पाव, जो कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो रेसिपी को आपने मिस नहीं करना, मैं छोटे छोटे स्टेप बताऊंगी किस तरह से ज़बरदस्ती रेसिपी रेडी होती है। तो चलिए फिर पहले हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह पढ़कर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वड़ा, तो उसके लिए हमने पैन में ऐड कर देना है ऑयल। तो मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 टीस्पून कलवंजी। वैसे तो तेल के अंदर डाला जाता है सरसों, लेकिन हमने कलवंजी ऐड की है, लेकिन हम बनाएंगे इसको बिल्कुल मुंबई स्टाइल में। तो अब मैंने इसके अंदर ना पोटैटो ऐड कर दिए, जिन्हें मैंने बॉयल करके मैश कर लिया हुआ है। अब हम इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया सबसे पहले हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, उसके बाद सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर रख जाएंगी। और मज़ीद मज़े का बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ धनिया। फ्लेम को हमने रखा हुआ है मीडियम और इस मिक्सचर को हम कर लेंगे मिक्स। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए, इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कितना ज़बरदस्त सा जो पाव का मिक्सचर है वो रेडी कर लिया। अब हमने ना क्या करना है, इसको ठंडा होने देना है। आपके सामने तो ये अभी चूल्हे पे पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसके इस तरह से बॉल्स बना लेंगे, यानी कि पाव बना लेंगे। आज की रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। पाकिस्तानी खाने तो हम अक्सर खाते रहते हैं, हम खुद भी पाकिस्तानी हैं तो इन चीज़ों को हम ट्राई करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके लिए मैं इंडिया का कोई फूड लेके आऊँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यकीन करिए डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। और ये मुंबई का फेमस वड़ा पाव, जो कि 1966 में अशोक यादव ने शुरू किया था। मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद मैंने इसकी रेसिपीज़ देखी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये यूनिक सी रेसिपी लगी। तो मैंने कहा चलो इसे ट्राई करते हैं। अगर तो आप मेरे स्टेप को इसी तरह से ट्राई करते रहेंगे ना, तो यकीन करिए आपको ये वड़ा पाव खाने के लिए तो मुंबई जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप घर में इतना ज़बरदस्त, इतना मज़े का ये वड़ा पाव बना सकते हैं ना, कि अगर आपने एक बार बना लिया तो आप इसे बार बार लाजमी ट्राई करेंगे। तो आपने देखा मैंने मिक्सचर वगैरह सब रेडी कर लिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें लिख देती होती हूँ, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब इसे ना मज़ीद मज़े का बनाने के लिए जो इसकी स्पाइसेस होती हैं ना, यानी कि जो चटनियाँ होती हैं, वो इसे बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती हैं, बहुत ही डिफरेंट। आपने बर्गर वगैरह खाया होगा, इस तरह की बहुत सी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन जो ये वड़ा पाव है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रेसिपी है और बिल्कुल ही अपने नाम की तरह ना बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी देती है। तो इसके अंदर जो हमने चटनी, ग्रीन चटनी बनाई ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। स्पाइसी इस वजह से इसके अंदर जो मैंने चिली ऐड की है ना, यानी कि ग्रीन चिली, वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है। आप चाहें तो कम स्पाइसी भी रख सकते हैं, लेकिन इसका असल मज़ा इसी स्पाइसेस के साथ आएगा। तो मैंने इसी वजह से बिल्कुल परफेक्ट स्पाइसेस रखी है इसमें। अब मैंने जो बेसन वाला मिक्सचर बनाया था, उसके अंदर इसे डिप करके फ्राई कर लेना है। आपने ना जब इसको फ्राई करना है ना, तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो हमारा ऑयल है वो फुल गर्म होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी मिक्सचर बचेगा ना, उसको आपने वेस्ट नहीं करना, उससे हम बनाएंगे बिल्कुल क्रिस्पी सी, जिसके ऊपर वो ऐड करते हैं ना बूंदी टाइप होती है, वो ऐड करेंगे, जो कि इसे बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक टेस्ट देने वाली है। अगर आपको मिक्सचर लगे ना थोड़ा थिक है, जब हमने इसकी जो छोटी छोटी सी बूंदी बनानी है, तो आप मिक्सचर में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ना इसको बिल्कुल क्रिस्पी होने देना है, क्योंकि बाद में हमने इसका पाउडर बनाना है। हम बिल्कुल उसी तरह से इसे बनाने की कोशिश करेंगे, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आपने इसको एक बार ट्राई कर लिया ना, तो आप इसको बार बार लाजमी बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी है। तो अब देखिए मैंने इसे ऑयल में फ्राई कर लिया और बहुत ही ज़बरदस्त है जो हमारे वड़ा है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको करते हैं साइड पे। जो हमने ये जो छोटी छोटी बूंदियाँ बनाई हुई थी ना, इसका हम बनाएंगे पाउडर, लेकिन कुछ हम अलग रखेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें से निकाल ली है, बाकी का हम फाइन पाउडर बनाएंगे। वैसे तो ना इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस भी ऐड करते हैं, लेकिन हम इसे अपने स्टाइल में बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ना इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन टिक्का मसाला, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। इससे तो इसका फ्लेवर इतना इन्हेंस होगा ना, कि आप यकीन करें ये वैसे ही इतना मज़े का लगेगा जब आप इसे टेस्ट कर लेंगे। तो चिली पाउडर ऐड किया है मैंने, आपको पहले बताया थोड़ा सा स्पाइसी होगा।
अब इसको हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है, और जो पाउडर नहीं बने वो अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हुए होंगे, इसी वजह से वो पाउडर नहीं बने, तो उनको हम निकाल के साइड पर कर देंगे, क्योंकि इतना कोई मसला नहीं है। अब जो मैंने आपको पाव की रेसिपी बहुत देर पहले तकरीबन 2 हफ्ते मेरे ख्याल से हो चुके होंगे दी हुई है, अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो जाके लाजमी देखिए, क्योंकि मैंने जब आपको ये रेसिपी दी थी मैंने उसी टाइम आपसे कहा था कि इससे जुड़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो देखिए मैंने इसके ऊपर लगाई थी पहले टमाटो सॉस जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो हमने पाउडर बनाया था ना, हमने चिकन टिक्का वगैरह और ये जो हमने बूंदी वगैरह बिल्कुल ब्रीक पाउडर बना लिया था वो ऐड किया है, बड़ा पाव रखेंगे, और जो मैंने इसके अंदर मिर्ची रखी है ना वो मैंने हाफ कट करके रखी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तीखी थी इसी वजह से, अगर आपको मज़ीद तीखा पसंद है तो आप और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इसका असल मज़ा जो ना मिर्ची के साथ ही आएगा, तो इस पार्ट को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब देखिए बातों ही बातों में हमारा कितना ज़बरदस्त ये जो वड़ा पाव है बनके रेडी हो चुका है। अगर आप इसे इधर बनाना सीख लेंगे ना, यानी कि अपने घर पे बनाना सीख लेंगे, तो आप यकीन करें कि मुंबई के पाव को भूल जाएंगे अगर तो आपने खाया होगा। वैसे तो हमने इंडिया का ये मुंबई का वड़ा पाव नहीं ट्राई किया, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको बनाना सिखाया है यकीन करिए ये बिल्कुल वैसा ही बना है, और अगर आप इसको बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आती रहूं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं निमराज फूड डिस्कवरीज के नाम से, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं मज़ीद आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपीज लेके आने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको ये पकड़ के दिखाऊंगी कितना ज़्यादा, जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है ना, ये उसे डबल खाने में था, क्योंकि मैंने तो इसे एक बार ट्राई किया लेकिन अब ये बार बार बनने वाला है, क्योंकि बहुत ही यम्मी सा बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फिर आप भी अभी जाइए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत ही ईजी रेसिपी है, अगर आप इसी तरह से मेरे रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।